नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निपान। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष अमित चौधरी जी ने मेरठ कमिश्नर ई कार्यालय पहुंचकर खेल विश्वविद्यालय में योग शिक्षा के लिए अलग से भवन व व्यवस्था बनाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन दिया। जिलाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी ने प्रेस को बताया, योग का समाज में खास महत्व है जिसे दुनिया भर के लोगों ने इसके फायदे को लेकर पूरी दुनिया के देशों ने एक योग दिवस यह रूप में मनाते हैं। आज हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष अमित चौधरी करीब 56 योग विद्यार्थियों को लेकर योग शिक्षा में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया कि योग में यह बहुत होनार बच्चे हैं जिन्होंने योग में बड़े बड़े पुरस्कार जीते, लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण पांचली गांव के एक छोटे से कमरे में योग की शिक्षा और प्रशिक्षण ले रहे इन होनार और कल देश के भविष्य के इन बच्चों के लिए हिंदू युवा वाहिनी केंद्र सरकार से मांग करती है, इन बच्चों के लिए योग शिक्षा योगासन के लिए अलग से भवन दिया जाए ताकि कल यह बच्चे मेरठ और देश का नाम योग द्वारा रोशन करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब सलावा में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से मांग है कि खेल विश्वविद्यालय में योग के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाए। हिंदू युवा वाहिनी का जिलाध्यक्ष हूँ यहाँ पर, और अभी हम कमिश्नर साहब से मिलने आए थे जिसमें ये बच्चे हैं जिन्होंने विश्व कीर्तिमान बनाए हैं योग में, और ये पांचली में रहकर एक कमरे के अंदर एक छोटी सी जगह पर अभ्यास कर रहे हैं बिना किसी सुविधा के। और हमारा प्रयास ये है कि जो खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है सलावा के अंतर्गत, वहाँ पर योग के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे इस क्षेत्र के बच्चे और युवा योग में आगे बढ़ें। जिस अभी हाल ही कुछ दिनों में प्रधानमंत्री एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे, क्या लगता है कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होगा उन बच्चों का कुछ सबक होगा? हाँ, अगर यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी बनेगी तो खेल में मेरठ का हमेशा नाम रहा है, और खेल यूनिवर्सिटी से मेरठ और आसपास के क्षेत्र के युवा आगे बढ़ेंगे। इसी प्रयास की क्रम में हम लोग आज मिलने गए थे कमिश्नर साहब से, जिससे कि वो योग में इन बच्चों ने जो दाम कमाया है ये अगर उनको सुविधा सरकार की तरफ से और ज़्यादा मिले, या यूनिवर्सिटी के अंदर भी योग में भी कोई खेल स्पोर्ट्स में लिया जाए तो ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा अपने प्रदेश और देश का नाम कर सकते हैं।